हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने रजिस्ट्री को गेमिंग के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो दोस्तों, लो एंड पीसी गेमर्स के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं यार, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उसको जाके जल्दी से दबा दो यार, तभी मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस ला पाऊंगा। तो चलिए यार, अब बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्री को कैसे ऑप्टिमाइज करने गेमिंग के लिए। इससे आपकी गेम की FPS बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है और आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है। तो सबसे पहले आपको नीचे जाके डाउनलोड करना है रजिस्ट्री ऑप्टिमाइजर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो। उसके बाद इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने रजिस्ट्री ऑप्टिमाइजर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो चलिए जल्दी से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको जाना है रजिस्ट्री स्क्रिप्ट्स में, उसके बाद जाना है आपको गेम ऑप्टिमाइजेशन में, उसके बाद आपको ये सारी फाइल्स कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है लोकल डिस्क सी में और यहाँ पर जाके आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सारी चीज़ों को वन बाय वन ओपन करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इन सारी चीज़ों को वन बाय वन ओपन कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इन सारी फाइल्स को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको वापस अपने फोल्डर में जाना है। फोल्डर में जाने के बाद आपको वापस जाना है माउस रजिस्ट्री फाइल्स में। इन सभी चीज़ों को आपको कॉपी कर लेना है और फिर से लोकल डिस्क सी में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इनको भी आपको वन बाय वन ओपन करना है। तो यार, ये सारी फाइल्स भी हमारे सिस्टम में ऐड हो चुकी है। अब इनको भी कुछ नहीं करना, आपको डिलीट कर देना है सिंपली। और फिर से आपको जाना है रजिस्ट्री ऑप्टिमाइजर में, फिर आपको जाना है रजिस्ट्री स्क्रिप्ट्स में, फिर आपको जाना है विंडोज़ ऑप्टिमाइजेशंस में और इन सभी फाइल्स को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से जाना है लोकल डिस्क सी में और इन सभी को पेस्ट कर देना है। तो ये लास्ट टाइम यार आपको पेस्ट करनी पड़ रही है। तो फिर से आपको ये सारी फाइल्स मतलब मर्ज कर लेनी है अपनी रजिस्ट्री में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सारी फाइल्स ही मर्ज कर लिया। अब इन सभी को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको जाना है डेस्कटॉप पर, जहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्री ऑप्टिमाइजर एक्सट्रैक्ट किया था, उसमें वापस जाना है आपको। फिर जाना है आपको प्रोग्राम्स में, फिर आपको जाना है लिटिल रजिस्ट्री क्लीनर में और इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब इस सॉफ्टवेयर को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा प्रोग्राम ओपन हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लिक करना है स्कैन रजिस्ट्री पर। तो ये आपकी मतलब जितनी भी आपके रजिस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को आपको फिक्स कर देगा और आपको मिलेगा एकदम क्लीन PC। दोस्तों, ये स्कैनिंग थोड़ा सा टाइम ले सकती है, जैसे मतलब मेरा तो अब हो गया, तो हम ये कुछ 10 से 15 सेकंड लेगी या थोड़े ज़्यादा भी ले सकती है, आपके PC की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो यार, इन सभी फाइल्स को मतलब ये जितनी भी आपको शो हो रही है, सारी मेरे कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स है। आपको सिंपली फिक्स प्रॉब्लम्स पर क्लिक कर देना है और आपकी ये सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे कंप्यूटर की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो फिक्स हो चुकी हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सॉफ्टवेयर से एग्जिट कर देना है और आपकी सारी ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, आपकी रजिस्ट्री बिल्कुल क्लीन हो चुकी है यार, आपको गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती है बाय चांस तो वो गेम की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना यार। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।